भारतीय किसान संघ पुनासा के द्वारा आज तीसरे दिन भी एसडीएम कार्यालय के सामने सैकड़ों किसानों के साथ महिलाओं ने भी कमान संभाल कर रखी हुई है। किसानों की कई समस्याओं को लेकर धरना दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं उपस्थित रही, जिसमें किसानों की मुख्य मांगे 22 बिंदु है, जिसमें मेन पिछली बकाया 34% राहत राशि और लागत के आधार पर खेती को लाभकारी बनाया जाए, क्षेत्र में नहरों और बिजली विभाग की कई समस्याओं को लेकर किसानों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रांत उपाध्यक्ष रेवाराम भाईडिया, युवा उपाध्यक्ष धर्मचंद गुर्जर, खंडवा जिला अध्यक्ष राधेश्याम चाचरिया, जिला उपाध्यक्ष सुभाष पटेल सहित कई किसान और सात महिलाएं भी उपस्थित रही। किसानों का आक्रोश शासन और प्रशासन के खिलाफ देखा जा रहा है। किसान संघ का कहना है कि जब तक हमारी सभी मांगे नहीं मानी जाती, हम धरना जारी रखेंगे। पुनासा से पदम सिंह की रिपोर्ट। हमको यही ध्यान में आता है कि यहाँ के विधायक महोदय को इतना भान नहीं है, वो इतने भोले हैं कि उनको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है उनको पता ही नहीं है। तो हम एक रोज का और वेट करके देखते, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद, कहाँ विष्णु को घटी गो जो भृगु मारी लाद। तो हम तो वो किसान है, अन्नदाता के औलाद है, तो यहाँ जमीन पे बैठ के और इंतजार करेंगे। नाम राधेश्याम चाचरिया, जिला अध्यक्ष सुलगांव। साहब उनका 11:30 बजे के आसपास फोन आया था कि हम वहाँ धरने स्थल पर पधारेंगे। वही तो हम भी विचार कर रहे हैं और वही हम किसानों को विचार भी करना है आगे के लिए, कि जो किसानों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, उनके प्रभारी मंत्री के लिए टाइम है कि उनके प्रभारी मंत्री को किसानों के लिए टाइम नहीं, तो फिर आप किसान लोग सोच लो कि आपके आगे दुर्दशा क्या होगी। इस धरने को उग्र रूप देना है और अच्छा खासा उग्र रूप देना है, नहीं तो कल यहाँ पर चक्का जाम भी हो सकता है। हमारे जिले की टीम अभी विचार विमर्श में लगी हुई है, क्योंकि हमने अभी 5 बजे तक उनका इंतजार किया है, पर वो अभी तक भी यहाँ पर धरना स्थल पर पधारे नहीं। अगर वो जैसे धरना स्थल पर नहीं आए हैं तो इसको लेकर क्या आपने जैसे अभी माइक के अंदर में भाषण में बोला गया था कि हम विधायक जी की अर्थी यात्रा निकाल देंगे, ऐसा कुछ भी प्रोग्राम हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है ना साहब, ये तो पब्लिक है, कुछ भी कर सकती है। प्रतिनिधि क्या, वो तो मुख्यमंत्री तक की भी निकाल सकती है। आप बोलिए थोड़ा सा, क्या अगर आज हम लोगों को यहाँ पर बैठा के आश्वासन देने के बाद में मंत्री और विधायक नहीं आए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।